नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, पर्सनली वीडियो पे अपन बात करेंगे, पर्सनली सिस्टम में कि मैं क्या करता हूं, क्या मेरा सिस्टम है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, सर जी आप एजेंट हो, आप बहुत सारा पैसा कमाते हो, आप ये वो फलाना ढिमका। तो मैं आप कुछ आज 1 साल हो गया अपने यूट्यूब चैनल को, लगभग 25 फरवरी 2018 को इस चैनल को स्टार्ट किया था, और आज हो गई 15 मार्च 2019, यानी 1 साल से 1 महीने का लगभग ऊपर टाइम होने को जा रहा है। 1 साल में मैंने कितना क्या किया उस सिस्टम पे अपन थोड़ा सा आज बात करेंगे। आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि लोगों के कमेंट आते हैं काफ़ी सारे, कुवैत के में बहुत सारे कमेंट आते हैं, ये दलाल है, ये एजेंट है, ये है वो है, ये तो पैसा कमाता है वीडियो बना के। तो मैं आज बता दूं साथियों कि मैं वीडियो बना के कितना क्या कमाता हूँ, मेरा सिस्टम ही चेंज होगा यूट्यूब पे आने के बाद। मैं तो कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो साथियों, मैंने हेडिंग ये रखा है, मैं कितना कमाता हूँ। जी हाँ साथियों, मैं कितना कमाता हूँ, मेरा टाइम, ठीक है, मेरा काम और मेरी इनकम। मेरा टाइम मतलब किस तरह से मेरा टाइम डिवाइड हो रहा है इस सिस्टम के अंदर, और मेरा काम, मेरे पहले क्या मेरा काम था, अभी मेरा काम क्या रह गया बाकी, ठीक है। और मेरी इनकम तीसरा नंबर पे है, मेरी इनकम मैं कितना कमाता हूँ आप लोगों के सपोर्ट से और यूट्यूब से, ठीक है साथियों। तो थोड़ी सी गणित अब मैं आपको बता दूं कि एक दिन में, यानी वन डे और नाइट में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 24 घंटे का टाइम होता है एक इंसान के पास में, यानी मैं बता दूं इसमें कि आपको पास, आपको या मेरे पास, किसी के भी मान लीजिए 24 घंटे का टाइम होता है, उसमें डे और नाइट दोनों साथ में होते हैं। 24 घंटे में इंसान क्या करता है, कितना क्या, हर इंसान का सिस्टम होता है। आप भी जॉब करते होंगे कहीं ना कहीं, तो आपका भी कुछ मेंटेन कर रखा होगा। 24 घंटे में साथियों मिनिमम 8 घंटे आदमी को सोने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर आपको स्वस्थ नींद लेनी है तो 8 घंटे मिनिमम आपको सोना पड़ेगा। अगर आप 8 घंटे की नींद की पूर्ति नहीं करते हो तो आपके आने वाले समय में बीमारियां पैदा हो सकती हैं, ठीक है। 8 घंटे सोने के बाद में आपके पास 16 घंटे का टाइम बचता है, ठीक है साथियों। गौर से देखिएगा मेरा वीडियो, मैं दो टॉपिक, दो वीडियो बनाऊंगा। पहला वीडियो ये है, नेक्स्ट वीडियो मैं दूसरे दिन लोड करूंगा, ये कल सुबह मॉर्निंग में डाल दूंगा। 24 घंटे में 8 घंटे आपके सोने के चले गए, कितने बचे, 16 घंटे। 16 घंटे में साथियों, अब मैं, मेरे में मान लीजिए 16 घंटे में मैं 8 घंटे फोन रिसीव करता हूँ, ठीक है। फोन रिसीव किसके करता हूँ, आप लोगों के, जितने भी मेरे पास कॉल आते हैं उनके सबके, जितने हो सकते हैं मैं कॉल अटेंड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, इस बात को आपको पता है। जो बातें मैं वही बताऊंगा जो आपको पता है, मैं कोई अंदरूनी अलग से बातें नहीं है जो पता नहीं है, ठीक है साथियों। 8 घंटे मैं फोन अटेंड करने करने का काम करता हूँ, ठीक है साथियों। 4 घंटे मिनिमम, आप ये मानते हो कि सुबह और शाम 2 वीडियो में डालता हूँ, तो कम से कम लोग तो ये बोलते हैं कि सर 1 वीडियो में 4 घंटे चाहिए। जो यूट्यूबर हैं, कई बार कमेंट में पढ़ता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ, तो वो बोलते हैं सर 1 वीडियो को एडिटिंग करने में, पूरा सेट करने में कितना टाइम लगता है, तो वो बोलते हैं 4 से 5 घंटे। लेकिन मैं मानता हूँ साथियों, मुझे ज़्यादा ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, 2 वीडियो 4 घंटे का मिनिमम मैं टाइम लेता हूँ, 1 वीडियो में 2 घंटे का, ठीक है। तो 2 वीडियो में 4 घंटे का टाइम हो जाता है, ठीक है साथियों। मिनिमम मैं मान के चलता हूँ कि 2 से 3 घंटे दैनिक दिनचर्या होती है, इंसान सुबह उठता है, उसके बाद जो भी उनका दिनचर्या होता है, नहाना धोना, खाना का बनाना, खाना वगैरह जो भी होता है, ठीक है। तो साथियों कितने घंटे का टाइम है, 8 8 16 16 4, कितना घंटा हो गया साथियों, 20 20 2 22, यानी 22 घंटे, ये तो मैंने 2 घंटे जोड़ा यहाँ पे, ठीक है साथियों। मतलब 22 23 घंटे मुझे यूट्यूब पे रहना सोचने की बात है साथियों, क्योंकि ये 8 घंटे सोने में चले गए, 8 घंटे फोन रिसीव करने में, 4 घंटे वीडियो सुबह शाम डालने में चले गए, 2 घंटे दैनिकचर्या, यानी मेरे 22 घंटे यहाँ पूरे हो जाते हैं, बचे कितने, 2 घंटे। अब उसमें मेरे पर्सनल काम भी होते हैं, मेरा परिवार भी है, और मुझे इनकम, अब मैं इनकम कितनी करता हूँ आप लोगों से कितना कमाता हूँ आपको पता है। यूट्यूब से मैंने आज तक 1 साल के अंदर मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया, ठीक है। YouTube से 1 साल के अंदर मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया, इस बात को आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि YouTube पे वीडियो पे ऐड आते हैं तब इनकम होती है, और वो कोई इनकम वैल्यू नहीं होती, 5 2 4 5 हज़ार रुपये, वो कोई वैल्यू इनकम हो या ना हो मैं उसको मायने नहीं रखता। तो साथियों ये 1 साल के दौरान मैंने अचीवमेंट किया है, ठीक है। अब आप लोग ये इसलिए बताना पड़ रहा है कि इतने घटिया लोग हैं, इतने घटिया कमेंट करते हैं, ये वीडियो बनाता है पैसे के लिए, ये तो पैसा कमाता है, ये वो, तो ये सिस्टम है साथियों। 24 घंटे में से मेरे पास ओनली 2 घंटे बचते हैं, जिसमें मैं क्या करूं, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए ऐसा कि मैं कोर्ट प्रैक्टिस इस सिस्टम में, लगता है कि मैं कोर्ट में जाकर मेरा काम कर लूंगा और साथ में आप लोगों का भी हेल्प कर दूंगा, मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। यूट्यूबर आप देख लीजिए कि मेरा शायद अपना पहला चैनल ऐसा होगा कि एक LLB किया हुआ बंदा इस सिस्टम में, पहली बात तो मिलेगा नहीं आपको, पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी छान मारो, पहला एक LLB एडवोकेट आदमी इस सिस्टम में घुसा है, ठीक है। जो मैं आपको जो भी 100% इंक्वायरी होती है मैं देने की कोशिश करता हूँ।
दूसरी बात, मेरा काम फिर मैं क्या करूंगा भाई, मैं तो फिर ये इसी सिस्टम में घुस गया, तो मेरा मेरा पर्सनल काम, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा इनकम, उसका क्या होगा? इस सिस्टम में थोड़ा बदलाव करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, और उसमें आपकी मैं राय भी लेने की कोशिश करूंगा कि आप उसमें राय दें। ये वीडियो इसी के लिए डाला है कि मेरा सिस्टम इस तरह से अभी चल रहा है, तो मुझे इस पे फॉलो करना चाहिए या सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट में ये कल मॉर्निंग में डाल देंगे, यानी 16 मार्च को, और दूसरा आएगा 17 मार्च को मॉर्निंग में। उसमें आपका कमेंट की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो आप मुझे बताना कि मुझे क्या फैसला करना है। ठीक है साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।